हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी ये सुबह के 11 बजे का टाइम है। ये दुकान पर जा रहे थे तो इन्होंने मैंने कहा कि मुझे शॉप पर छोड़ देना, मुझे कुछ घर का सामान लाना, राशन ख़त्म हो रहा था। और ये बड़े गुस्से से में लग रहे थे, पर ये ऐसा नहीं, गुस्से में नहीं है, ये सुबह सुबह शांत से रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। और देहरादून का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सचमुच में बहुत प्यारा लग रहा था। हम दोनों सुबह सुबह निकले थे तो मैंने इनको बोल दिया था कि मुझे छोड़ देना। और मैं अभी आपको मौसम दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। देहरादून के मौसम की बात ही अलग है। और कुछ करवा चौथ की तैयारी भी करनी है मुझे धीरे धीरे, तो वो भी मैं करूँगी। और मौसम दिखा रही थी, देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राशन लेने आई थी तो मैंने ले लिया है सारा राशन। अब ये घर पर डिलीवर हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, सामान लेती हूँ और डिलीवर करवा लेती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑनलाइन मंगाती हूँ तो वो घर पहुँचता नहीं है, कुछ सामान पहुँचता है कुछ नहीं पहुँचता। तो मैंने सारा सामान ले लिया है, मैं खुद ही करती हूँ ज़्यादातर करके काम। और मैंने सामान लेने के बाद ऑर्डर दे दिया है तो वो शाम तक डिलीवर कर देंगे। मौसम बढ़िया हो रहा है, बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदे आ रही है बारिश बारिश की ना। आज मेरे चोट लग गई यहाँ पर ना, दरवाज़ा लग गया मेरे बहुत ज़ोर से, दरवाज़ा बंद कर रही थी तो लग गया। वो बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की। अब मैं जा रही हूँ, जाते टाइम मुझे ये छोड़ गए थे तो मैं इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। अब मैं खुद ही जाऊँगी अपने खुद कन्वेंट, मतलब मुझे खुद तो आता नहीं कुछ चलाना, लेकिन वैसे मैं पैदल पैदल जाऊंगी। अब फिर आगे जाके बस या विक्रम मिल जाते हैं यहाँ पर, जो नॉर्मल ऑटो वगैरह चलते हैं उन्हें विक्रम बोलते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है वो आप बताइएगा। मैं अभी नया नया ब्लॉगिंग शुरू किया तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करूँ। चलो मैं पहुँचती हूँ विक्रम में, पहुँचती हूँ फिर उसके बाद बात करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो मैंने सोचा आपसे बातें नहीं हुई। और मेरी करवा चौथ की बहुत छोटी सी शॉपिंग हुई है, जो है ये एक आईलाइनर है, ये बीबी क्रीम है। मैंने बताया था आपको कि फाउंडेशन कम यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं यूज़ करती हूँ, शादी वादी जो होती है जब यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली बीबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ। और ये एक नेल पॉलिश लेकर आई थी। मैं कोई ब्रांडेड के चक्कर में नहीं रहती कि मुझे ब्रांडेड ही चाहिए, जो मिल जाता है वही ले लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है, तो मेरी छोटी सी ही शॉपिंग की थी। और आई शेडो वगैरह सब कुछ मेरे पास है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेकर आई। और इससे पहले जो वीडियो देखा था वो मेरा 11 तारीख का था, और आज है 12 तारीख, और ये वीडियो जो जाएगा जो 13 तारीख। तो सबको ढेरों शुभकामनाएँ करवा चौथ की, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जो पहली बार रख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान सबको ऐसी, माता रानी सबको सबका सुहाग बना के रखे, सबको खुश रखे। बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं सबके लिए। और देखो ये मेरे चोट कैसी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। दरवाज़ा मैंने बताया था ना अभी आपको थोड़ी देर, मतलब पहली वाली वीडियोज़ में, कि मेरे चोट लग गई थी तो चोट की इसका निशान और डार्क हो गया, धीरे धीरे डार्क हो गया। और करवा चौथ के टाइम पर ही ऐसा होना था, मेरे मुंह पर एकदम अलग से निशान सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा है। और उसके लिए सॉरी कि इससे पहले जो वीडियो गया था उसमें थोड़ी सी वॉइस मेरी शुरुआत की डिलीट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब डिलीट हुई, और मैंने अपलोड कर दी थी वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। जैसे कि मैं नई नई हूँ यूट्यूब पर, ज़्यादा कुछ नहीं आता, धीरे धीरे सीख रही हूँ और सीखना भी, तो मुझे YouTube पर ज़्यादा कुछ नहीं आता ना, तो मैं धीरे धीरे समझ में जैसे जैसे समझ आ रहा है वैसे वैसे मैं बनाने की कोशिश करती हूँ अच्छे से। और जो मटके वाली DIY था उसको आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, बहुत अच्छी मतलब व्यूज़ आए उस पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया। और कोशिश करूँगी मैं इसी तरह के DIY और आपके साथ शेयर करूँ, बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी करवा चौथ है तो थोड़ा सा बिजी रूटीन चल रहा है थोड़ा सा। और अभी मैं खाना पीना खाने के बाद मैं रात को मेहंदी लगाऊंगी, खुद ही लगा लेती हूँ मैं, तो मैं खुद ही लगाऊंगी। थोड़ी देर में मिलते हैं। I begin to
खाना पीना होने के बाद मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी। मेहंदी लगा रही हूँ, मैं खुद ही लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत ही आता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं आता। मैं लगा लेती हूँ थोड़ी थोड़ी, और अभी एक हाथ पर लगा लूँगी, दूसरे हाथ पर दिन में ही लगाती हूँ, सुबह मॉर्निंग में लगा लूँगी। और अभी ठंड भी बहुत लग रही थी तो मैं बिस्तर में बैठी हुई, पैरों पर कंबल डाल रखा था, मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे मेहंदी लगती जाती है ठंड लगना शुरू हो जाती है। और ये मेरी एक छोटा सा व्लॉग है जो मैंने बनाया, अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में कमी भी बताया करिए। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि क्या गलती है मेरी, तो वो भी पता चलेगी। और मैं टीवी देखती जा रही थी, यहाँ पर ना सामने टीवी चल रही थी। जो मेरे फेस पर चोट लगी है उसका निशान धीरे धीरे डार्क हो गया, बहुत ज़्यादा नीला भी पड़ गया और दर्द भी हो रहा था मेरे इसमें, और इसको भी अभी पढ़ना था करवा चौथ के टाइम पर ही। बहुत गंदा लग रहा है ये निशान अब ना, कोई ये सोचेगा कि पता नहीं इनका झगड़ा हो गया होगा इसीलिए ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुंह पर अलग ही निशान दिख रहा है, तो बहुत गंदा लग रहा था। कोई नहीं, अब चोट लग गई, काम करते करते दरवाजे से मेरा फेस टकरा गया, बहुत बुरी तरह लगा उस टाइम, तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में जैसे जैसे डार्क हुआ तो अब दर्द हो रहा था उसमें। और मैं यहाँ जल्दी जल्दी मेहंदी भी लगाती जा रही हूँ, देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है वो आप बताना ज़रूर। मुझे ज़्यादा नहीं आती, लेकिन मैं इस तरह से बेल भर के भी लगा लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने बेल ही लगाई क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो लगाना बनता है, शगुन तो थोड़ा सा करना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने कर लिया। और अगर आप भी नए नए हैं तो आपको नहीं आती है मेहंदी, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि आप खाली बूटी बनाएं और उसमें अंदर फिल कर दें, अंदर भर भर के ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं भी दिखाऊंगी कि ऐसे आप लगा सकते हैं, पीछे लगाऊंगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरा ये एक छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं, ये बहुत इजी होते हैं बूटी बनाना। देखो मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप बूटी बनाकर उन्हें शेड देकर फिल कर सकते हैं। अब मेरी कंप्लीट हो गई, तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, बताइए जरूर कैसी बनी लगी है।